Good morning, students. Welcome back to PNMRC e learning classes. In continuation of chapter number one, and that is crop production and management, today we are going to start our new topic, that is protection from weeds, page number 10. Bujo and Pahili went to a nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field. ग्रोइंग अलोंग विद द वीट प्लांट्स मतलब बूझो और पहले क्या गए एक वीट के फील्ड में गए देख उन्होंने वहाँ जाके क्या देखा कि वीट के जो क्रॉप लगा हुए थे उसके साथ में कुछ अनवॉन्टेड प्लांट्स भी ग्रो हो गए जैसे घास वगैरह इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप आपने भी कई बार देखा होगा कि आप कुछ प्लांट्स अगर ग्रो करते हैं तो उसके आसपास जो है घास उग जाती है या कोई ऐसा प्लांट उग जाता है जो आपको नहीं चाहिए दीज अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स तो इन अनडिज़ायरेबल प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं वीड्स जो हम नहीं चाहते कि वो ग्रो हो, लेकिन फिर भी अपने आप ग्रो हो जाते हैं द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ कॉल्ड वीडिंग तो अगर हम उस वीड्स को उनको हम वीड्स बोलते हैं जो अनवॉन्टेड अनडिज़ायरेबल प्लांट्स हैं उनको रिमूव करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं वीडिंग वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर न्यूट्रिय स्पेस एंड लाइट वीडिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें हेल्दी क्रॉप लेनी है तो ऐसा क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि जो वीड्स होते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो आपने किसके लिए डाले होते हैं अपने क्रॉप के लिए डाले होते होते हैं क्रॉप को तो वो क्रॉप प्लांट्स को तो वो नहीं मिल पाते न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स कौन एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं वो वीड्स जो कि उनके आजू बाजू ग्रो हो रख रह, हो रहे होते हैं साथ में स्पेस भी घेर लेते हैं साथ में जो सनलाइट होती है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं जिसकी वजह से जो क्रॉप्स होते हैं वो प्रॉपर उनको उनमें ग्रोथ नहीं हो पाती दस दे एफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings. और कई बार क्या होता है कुछ weeds ऐसे होते हैं जो poisonous होते हैं कुछ plants ऐसे होते हैं जो poisonous होते हैं animals के लिए तब तब जब हम harvesting करते हैं उनको काटते हैं crop plant को तो उसके साथ में कौन से plants आ जाते भी कट जाते हैं वो weed plants भी कट जाते हैं जो कि poisonous होते हैं animals के लिए तो ये भी नुकसान है फार्मर्स एडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देअर ग्रोथ फार्मर्स बहुत सारे जो है उन वीड्स को कंट्रोल करने के लिए मैथड अपनाते हैं उसमें से एक है टिलिंग बिफोर सोइंग द क्रॉप हेल्प्स इन अपरूटिंग द एंड किलिंग द वीड्स इसमें सबसे पहले क्या है टिलिंग वो क्या करते हैं खुरपी होती है एक टूल होता है उनके पास में उससे खोद खोद के वो सारे के सारे सो करने से पहले क्रॉप्स को, को फील्ड में सो करने से पहले टिलिंग के द्वारा खोद खोद के उन सारे के सारे जो वीड्स हैं उनको अपरूट करते हैं रूट से निकाल कर फेंक देते हैं विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉयल और फिर क्या होता है वो प्लांट्स जो होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं जिससे क्या होता है सॉइल को क्या मिल जाता है कंपोस्ट मिल जाता है द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स इंपॉर्टेंट बात है बेस्ट टाइम कब है वीड्स को रिमूव करने के लिए वो तब है जब वो फ्लाव उनके ऊपर फ्लावर्स या सीड्स ना आ जाए उससे पहले ही उनको रिमूव कर देना चाहिए द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड फिजिकल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीट बाई अपरूटिंग और कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड मैनुअल मतलब जब आदमी लोग जब इसके अंदर वीड्स को रिमूव करते हैं तो क्या करते हैं या तो उखाड़ के फेंक देते हैं जड़ से या उनको काट देते हैं बिल्कुल रूट के पास से फ्रॉम टाइम टू टाइम दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी उसके लिए ये वीडिंग जो होती है वो किस टूल से की जाती है खुरपी आपने नाम भी सुना होगा अ सीड ड्रिल इज़ ऑल्सो यूज टू अप्रूट वीड्स इसके अलावा वो क्या यूज़ करते हैं एक सीड ड्रिल का भी इस्तेमाल करते हैं जिसके द्वारा वीड्स जो हैं वो अप्रूट हो जाते हैं रूट जो, रूट से उनको निकाल दिए निकाल दिए जाते हैं वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई यूजिंग सर्टिन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स इसके अलावा मैनुअल वीडिंग के वीडिंग के अलावा केमिकली भी हम वीड्स को हटा सकते हैं तो अगर हम केमिकल के द्वारा वीड्स को हटाना चाहें तो उसको बोलते हैं हम उन केमिकल्स को हम बोलते हैं वीडिसाइट्स लाइक टू कॉमा डी फोर डी ये क्या है वीडीसाइट का नाम है टू 4D फोर डी दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल दीड्स ये जो केमिकल है वो फील्ड के अंदर स्प्रे किया जाता है जिसकी वजह से वीड्स जो होते हैं वो मर जाते हैं दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप द विडिसाइड्स आर डायल्यूटेड विद वाटर टू द to the extent required and sprayed in the field with the द स्प्रे विडिसाइड जो केमिकल होता है usko तो क्या kiya jata है पानी के साथ मिक्स किया जाता है फिर वो फील्ड के अंदर स्प्रे कर दिया जाता है as already mentioned the weedicides are sprayed during the vegetative growth of wheat before flowering and seeding seed formation of viricide kab chhidka jata hai tab weeds ke andar flowers aane se pehle ya seeds banne se pehle spraying of weedicides may affect the health of farmers पर वीडिसाइड के स्प्रे क्योंकि वो केमिकल्स होते हैं और डेंजरस होते हैं तो जब फार्मर उसको स्प्रे करता है तो उसका इफेक्ट भी उसकी हेल्थ पर पड़ता है क्योंकि वो पॉइजनस होते हैं सो दे शुड यूज़ दिस केमिकल वेरी केयरफुली इसलिए फार्मर्स को इन केमिकल्स को यूज़ करने से पहले थोड़ा केयरफुली इसको, इसको, इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए दे शुड कवर देयर नोज़ एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ज्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल्स तो स्प्रे करने से पहले उनको अपने माउथ को कवर कर देना चाहिए जिससे कि वो जो पॉइजनस केमिकल्स हैं उसके उसके बॉडी के अंदर ना जा पाए So, student, I end my video here only. We will meet tomorrow with the remaining part of this chapter. Up till then, goodbye and thank you. Have a nice day.